प्राइस देखो ना, मैं करता हूँ ना प्राइस के लिए, आप कितना अपने की मशीन होगी सर ये वाली कौन सी पहले ट्रैपिंग सर ये बल्लेक 65 और बाप रे देखो हेलो सर किस चीज़ की मशीन है एक्चुअली टेलीस्कोप का कर रहा है सिर्फ पार्सल शॉटिंग के लिए ओके हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे सलामत होंगे तो गाइज आज मैं आया हूं फिर से प्रगति मैदान क्योंकि आज यहां पे लगा इंडिया वेयर हाउसिंग शो ये तो हॉल नंबर 11 या 10 है यहां पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो मैंने तो ऑनलाइन करा रखा जाते हैं दिखाते हैं गांधी ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड मशीन है यहाँ पे देखो पूरा बना रखा इसमें पता है क्या इसमें जो फैक्ट्री होती है ना उसमें तो शटर वगैरह हो गया वो दिखा रखा शटर वगैरह का ऑटोमेटिक ये देखो सर ऑटोमेटिक है सर लेता हूँ प्राइस देखो ना मैं करता हूँ ना प्राइस के लिए आप कितना डॉकिंग स्टेशन जैसे सर ने बताया ना इसके बारे में सब फोल्ड हो जाएगा बता दें ये कितने की मशीन होगी सर ये वाली कौन सी पहले ट्रैपिंग सर ये बल्लेक 65,000 की और पहले ट्रैपिंग है सर 3,30,000 मशीन है देखो जो है पैक पैकेजिंग मशीन ये किस चीज़ की मशीन है सर ये सिरिंग पैक मशीन है सिरिंग पैक जी और ये वाली ये पूरा एक ही है सीलर है कॉम्बो में ही अच्छा 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 कितने तक की मशीन होगी ये 75,000 के 45,000 अच्छा 75 की है और 45 की है ये किस चीज़ की मशीन है सर ये सर स्ट्रैपिंग मशीन है स्ट्रैपिंग मशीन कार्टून वगैरह को स्ट्रैप करना अच्छा स्ट्रैप करती है अच्छा अच्छा ऑटोमेटिक स्ट्रैपिंग मशीन है अच्छा कितने तक की मशीन होगी सर ये 2,05,000 2,05,000 और ये वाली किसी टिपिंग मशीन है सर कोई भी काट आप इस साइज़ भी सेट कर सकते हैं अच्छा साइज़ वगैरह सेट कर सकते हैं इससे आपकी हाइट अच्छा हाइट और विड्थ वगैरह ठीक क्या प्राइस होगा सर इसका 1,05,000 यहाँ पे टेप टेप लग जाती है ऑटोमेटिक नीचे ऊपर से टेप लग जाती है भाई चिल्ड हवा फेंक रहा है बिल्कुल ठंड में आ गया इतनी गर्मी में पे जो फैक्ट्री या कारखाने वगैरह होते ना उसमें जैसे कार्टून वगैरह उसकी रेपिंग स्टैपिंग वगैरह और जो बड़े बड़े गोदाम बनते हैं उसकी शील्ड वगैरह लगाना ये देखो ये डेमो दिखा रहा है
वो ये वेयर हाउसिंग का है ना पूरा, जो वेयर हाउसिंग वगैरह होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, जैसे छत वगैरह हो गई, उनकी शील्ड हो गई, और जिस तरह की मशीनें होती हैं स्ट्रिपिंग वगैरह करना, पूरा वेयर हाउसिंग का है। और ये अभी तो दूसरे नंबर हॉल पर भी लगा, वहाँ भी जाएंगे, देखो क्या होता है। जो होता है ना स्कैनर, वो लगता है इन सब पे, ये ऐसे होके जा रहा है अंदर अंदर। बाप रे देखो कितना बड़ा पंखा है, कितना बड़ा पंखा, तो बड़े बड़े होते हैं वेयर हाउसिंग, उसमें यूज लगते हैं सारी चीज़ें। बारकोड चाहिए, लेबल पेस्टिंग चाहिए, उस पर आपका नाम वगैरह कुछ अच्छा डेटा चाहिए ना, हाँ हाँ, तो इसके लिए होता है। अच्छा उसके लिए होता है वहाँ पे ना। कितने की मशीन होगी सर ये? 10 लाख। 10 लाख। अच्छा ये प्रिंटिंग वगैरह होती है, इसको आप मैन्युअली कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसको रियल टाइम रहते हैं, कंप्यूटराइज है सर, ऑटोमेटिक है, रियल टाइम प्रिंटिंग। तो इसके जो ये साइज, ऐसी के साइज के हिसाब से बॉक्स होना चाहिए, साइज के हिसाब से बॉक्स होना चाहिए ना, इसके ये एडजस्टमेंट है इसके। अच्छा एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, लंबा चौड़ाई कर सकते, चौड़ाई कर सकते हैं इसके हिसाब से, मतलब हमें खुद मैन्युफैक्चर करते हैं ना, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट रहेगा, उसके हिसाब से इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते दिया हुआ है इसका। ठीक ठीक ठीक, ये जो होता है प्रिंटिंग स्कैनिंग वगैरह होते हैं, यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं, कन्वर्टर ऑन कर सकते हैं, कन्वर्टर का स्पीड बढ़ा सकते हैं, अच्छा। ये सब कंट्रोल पैनल से, तो यहाँ से हो सकता है सर, ये सर उसी के साथ जुड़ा हुआ है सर। 10 लाख की मशीन है ना सर, कहाँ से कहाँ की मशीन है सर? मुंबई। मुंबई से कोई अपना वेयर हाउसिंग वाला सेटअप लगाना चाहता है तो यहाँ पे आके इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सारे बैठे हुए, एक से एक बहुत सारी कंपनियाँ भी आई हुई हैं, है ना, कितना खर्चा आएगा नहीं आएगा। कुछ मशीनों के तो रेट मैंने आपको बता दिए, वही शेड है, शेड वाला सिस्टम है, यहाँ पे इसके टूल्स वगैरह रखे हुए हैं, और सामने देखो मशीनें लिफ्ट कर रही हैं, उठा रही हैं, जो वेयर हाउसिंग में जो चीज़ें यूज होती हैं। के एग्जॉस्ट हाल के मैक्सिमम, रोबोटिक सिस्टम है, यहाँ से देखेंगे यहाँ पे कीबोर्ड वगैरह दिए हुए हैं। वेयर हाउस में किस किस तरह की चीज़ें यूज हो सकती हैं, हाई नहीं जापान का टोयोटा सर, क्या प्राइस होगा इसका सर? दिस इज 3 टनर। ओके, दिस कम फ्रॉम टैरिफ, दिस इज बी अराउंड 19 लाख। एंड दिस इज अगेन दिस ट्रक विच इज कमिंग फ्रॉम जापान। ओके, इन जापान दिस विल बी अबाउट 22-23। थैंक यू, थैंक यू। ये 22 लाख का उन्होंने बताया, 22 से 23 लाख, 19 लाख के आसपास उन्होंने बताया। और इसमें है वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन इन एशिया, ये फ्री सेटल चलती है गाइस, जिस समय आया था, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, पता है यहाँ पे फ्री सेटल वगैरह चलती रहती है, ये भी एक है। और ये देखिए इस हॉल में चल के देखते हैं, ऐसा लग रहा है दोबारा से मशीन टूल वाले में आ गया हूँ, लेकिन इस बार अलग अलग चीज़ें काफ़ी। बॉक्स हैं बड़े बड़े, प्लास्टिक के कार्टून हैं बड़े बड़े, फोल्ड भी हो जाते हैं। वेरियस साइज़
किस चीज़ के बने हैं सर ये? PPP पॉलीप्रोपाइलिन। ओके, क्या प्राइस होता होगा सर इसका? इट डिपेंड्स ऑन हाइट। अच्छा, डिपेंड्स ऑन हाइट एंड वेट। ओके ओके, कलर कॉम्बिनेशन डिज़ाइन इफ यू हैव द स्टैंडर्ड डिज़ाइन यू हैव टू वर्क आउट द कॉस्ट। ओके, दिस आर द पैलेट। बट दिस इज अ पैलेट। पैलेट, ओके। दिस आर द चाइनीज, दिस आर द थर्मोकॉन। ओके, दिस इज थर्मोकॉन इन हाउस मैन्युफैक्चर। ओके, ये देखो भाई, यहाँ उठा रखा पूरा, ये छोटा वाला है। फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ऊपर चढ़ रहा हूँ इसी के। क्या बात है, देख लो, इतने बड़े बड़े सेटअप लगते हैं प्रगति मैदान में। अरे वाह, तो यहाँ से आया नीचे से प्रॉपर का नज़ारा। ऐसे ही होता होगा फैक्ट्रियों में, कारखानों में, वेयर हाउसिंग वगैरह में। यहाँ से तो सबका दिख रहा है। तो गाइस, ये जो है ना, आज 14 तारीख है, 14, 15, 16 तीन दिन लगा हुआ है। आज ही मैं इस वीडियो को डाल दूंगा। वेयर हाउसिंग से रिलेटेड है। वेयर हाउसिंग है जो, मतलब वैसी है जो मैंने मशीन टूल वाला दिखाया था ना, वैसी है मशीन टूल की तरह है। बस वेयर हाउसिंग में जो चीज़ें लगती है ना, जैसे ये हो गया, वेयर हाउसिंग का पूरा सेटअप हो गया, तरह तरह की मशीनें हो गई, रोबोटिक मशीनें भी दिखाई थी। किस चीज़ की मशीन है? एक्चुअली टेलीस्कोप का कन्वेयर है। कौन से, कौन से? कितने की मशीन होगी सर ये? ये लगभग 18 की। बारह सौ केजी की कैपेसिटी है इसकी। किस काम आती है वाली मशीन? सॉरी, किस काम आती है ये? बेसिकली पार्सल शॉर्टिंग के लिए। ओके, तो कितना प्राइस होता होगा सर इसका? प्राइस का एक्चुअली जो होता है, इसका जो टोटली डिपेंड्स होता है कस्टमाइजेशन। ओके, जब तक आप इसका टेक्निकल पैरामीटर फ्रीज नहीं करेंगे तब तक आप इसका प्राइस नहीं। स्टार्टिंग नहीं, नो कमेंट्स। कस्टमाइज के ऊपर डिपेंड, कस्टमाइजेशन डिपेंड। देखो मेरे पीछे ये सारा हाइड्रोलिक वाला हिसाब किताब है। क्या प्राइस होती होगी सर इसकी? प्राइस डिपेंड अपॉन द साइज। अच्छा, जैसा साइज फिर भी स्टार्टिंग 6,000-7,000। रिक्वायरमेंट के हिसाब से? हाँ, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट, इस टाइप कौन सी रिक्वायरमेंट है। कहाँ की कंपनी है सर ये? जीएसकी बेसिकली जापान की। जापान की, यहाँ पे ब्रांच तो होगा इनका? जी, दिल्ली ब्रांच है। दिल्ली, दिल्ली का ब्रांच, ब्रांच ऑफिस। सारा वेयर हाउस की चीज़ें यहाँ पर, लॉजिस्टिक वगैरह बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट लगे हुए हैं जहाँ पे। अगर एग्जीबिशन में देखा जाए तो वेयर हाउस, वेयर हाउस। ठीक है, ये तो आगे फ्री सेटल आ गई। इंडिया वेयर हाउसिंग शो 14, 15, 16 हॉल नंबर 8, 9, 10, 11, 12 चार हॉल में लगाए। हॉल नंबर 8, 9, 10, 11, 12 में लगाए। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लॉजिस्टिक्स। देखो ये सारे आए, आए हुए हैं, सारी कंपनी आए। काफ़ी बड़ा वेयर हाउसिंग शो लगा हुआ है, उस वाले में लॉजिस्टिक ज़्यादा है, इसमें भी लॉजिस्टिक ज़्यादा ही है, वही है वेयर हाउसेस में जो जो। तो ठीक है गाइस, चलते हैं वहाँ के, आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद।